मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब जो अल्टीमेटम दिया गया था उसमें दो दिन की तौसी कर दी गई है। एक मरतबा फिर आपको अपडेट करते हैं, एमकेएम राबता कमेटी ने अल्टीमेटम में दो हफ्ते की तौसी कर दी है। कारकुनों की बाजियाबी के लिए मुत्तहिदा का अल्टीमेटम जो है उसमें दो हफ्ते की तौसी कर दी गई है। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। जी राफे बताइएगा। जी बिल्कुल, एमकेएम की जानिब से हुकूमत सिंध को जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कारकुनान की बाजियाबी के हवाले से, अब जो राबता कमेटी का मुश्तरका इजलास हुआ था और गवर्नर हाउस में जो मुलाकातें हुई थी उसके बाद एमकेएम ने अपने अल्टीमेटम में दो हफ्ते की तौसी कर दी है। और एमकेएम का ये कहना है कि दो हफ्ते की तौसी के साथ साथ वजीर आला ने जो यकीन दहानियां करवाई हैं, हुकूमत सिंध ने जो यकीन दहानियां करवाई हैं, कारकुनान का मामला अदालत कतल जो है वो बंद किया जाएगा और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ जो 40 कारकुनान इस वक्त लापता है उनकी बाजियाबी भी कराई जाएगी। अगर ये चीजें मुमकिन नहीं हुई तो फिर एमकेएम अपने एहतजाज और धरने का जो है वो दोबारा भी धरने का भी दोबारा ऐलान किया गया है। राफे हुसैन बहुत शुक्रिया।